वेलकम बैक मग कशा आहात सगळे। आप कैसे हो नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। और आज की इस वीडियो में एक नहीं दो नहीं तीन नहीं टोटल 11 लेटेस्ट फोन रखे हैं मैंने। और आज की इस वीडियो में हम 100% टू झीरो बैटरी ड्रेन करने वाले हैं। फोन कौन कौन से हैं यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर रीड कर सकते हो। लावा अग्नि 2 से लेके मैंने वन प्लस 11R को भी टेस्ट में रखा है, तो यहाँ पे बहुत सारे लेटेस्ट फोन में कितनी बैटरी आपको देखने मिल जाती है सब कुछ पता चल जाएगा। और रिजल्ट मुझे ऑलरेडी पता है, और जितना मैंने टेस्ट किया पूरे के पूरे रिजल्ट प्रैक्टिकल पूरे के पूरे आए हैं। जैसे कि मोटो H40 हमने रिव्यू किया था और उसने बोला था कि मोटो H40 लगभग 4.5 से लेकर 5.5 घंटे के बीच में ऑन स्क्रीन देता है, और इस बैटरी ड्रेन टेस्ट में भी वही सेम रिजल्ट आया। और वीडियो को बनाने के लिए मुझे 30 लाख रुपीज लगाने पड़े हैं। वैसे फोन सेल करने के बाद कुछ अमाउंट मुझे रिटर्न आएगा ही, बट यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन, सारे फोन को मैंने 100% चार्ज किया था जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद जिनके अंदर परफॉर्मेंस मोड देखने मिलता है या मॉन्स्टर मोड देखने मिलता है उनको मैंने कम्प्लीटली ऑफ कर दिया है। उसके बाद सब फोन को मैंने एरोप्लेन मोड पे डाल दिया और सारे फोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड थे। उसके बाद मैंने 100% ब्राइटनेस को भी रखा है। तो टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं यूट्यूब से। यूट्यूब पे हम 2 घंटे तक 720p में एक सिमिलर वीडियो सारे फोन में देखेंगे। उसके बाद 1 घंटे में कितना बैटरी ड्रॉप होता है उसी हिसाब से दिखाऊंगा, और सारे फोन में 100% वॉल्यूम रखा है। सुन लिया 100% वॉल्यूम रखने पे कितना ज्यादा आवाज आता है। तो 1 घंटा कम्प्लीट यहाँ पे हो चुका है 720p में वीडियो देखते देखते। और 1 घंटे के बाद बैटरी ड्रॉप की बात करें तो यहाँ पे मोटो H40 और रियलमी 11 प्रो में थोड़ा सा ज्यादा ड्रॉप हुआ था, जबकि आईफोन U7 प्रो, पोको F5 और सैमसंग A54 में यहाँ पे आपको कम बैटरी ड्रॉप देखने मिलता है यूट्यूब के 720p में 1 आवर वीडियो देखने के बाद। और टाटा बाय बाय, वीडियो खत्म, क्योंकि हमारे जो 4K की रॉ वीडियोस थी वो गलती से डिलीट हो चुके हैं। ऐसा नहीं, बट बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है वो मिस्टेकली हमसे डिलीट हो जाती है, और उसके बाद हम पूरे पूरे हेल्पलेस हो जाते हैं कि उन फाइल्स को रिकवर कैसे किया जाए। डरने की जरूरत नहीं है, आप इजीली फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वंडरशेयर रिकवर ईट की मदद से। सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, सिंपल सा इंटरफेस देखने मिलता है, और उसके साथ साथ आपको बहुत सारे फीचर्स भी देखने मिलते हैं, जैसे कि 2000 स्टोरेज डिवाइसेस और 1000 प्लस फाइल फॉर्मेट्स को ये सपोर्ट करता है। और उसके साथ 4K हो, 8K हो, या कोई भी आपका वीडियो फॉर्मेट हो उसको जैसे कि वैसे ये रिकवर कर सकता है। इवन रिकवरी 8 लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डेटा रिकवरी कर सकता है। और अभी रिकवरी 8 का वर्जन 12 आया है जिसके अंदर मैक के लिए टाइम मशीन की भी रिकवरी अवेलेबल है, और ये सर्विलेंस कैमरा और कार कैमरा के फुटेज को भी रिकवर करने में आपकी मदद करेगा। और आपको फाइल को रिकवर करना है तो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको स्पेसिफिक ड्राइव और स्टोरेज को सिलेक्ट करना है, उसके बाद स्कैन करना है, और जो फाइल आपको चाहिए उसके ऊपर क्लिक करके सिंपल रिकवर बटन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद वो फाइल रिकवर हो जाएगी। और ऐसे आप इजीली डिलीटेड फाइल को वंडरशेयर रिकवर ईट की मदद से रिकवर कर सकते हैं। तो आपको चेकआउट करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप रिकवर ईट को फ्री में ट्राई कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट 1 आवर जो बचा है उसको भी टेस्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि टोटल कितना ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे वीडियोस यार स्मूथली सबके अंदर प्लेबैक हो रही थी, और लगभग वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना बने। तो 2 घंटा 720p यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद बैटरी ड्रॉप देख सकते हो। तो यहाँ पे Realme 11 Pro, Moto H40 इसमें ही ज्यादा ड्रॉप था, Nothing Phone 1 ने भी ज्यादा दिखाया था, और OnePlus Nord 3 का भी बैटरी ड्रॉप ज्यादा था। उसके बाद 1 आवर के रील्स देखेंगे, रील्स पर मेरी है, मतलब अपनी सेम एक रील सारे फोन के अंदर मैंने प्लेबैक की है। तो उसके बाद लगभग 3 घंटे होने वाले हैं, मतलब 1 घंटा कंप्लीट इंस्टाग्राम पे रील्स देखने के बाद बैटरी ड्रॉप देख सकते हो। Nothing Phone 1 का भी अच्छा खासा ड्रॉप हो चुका है, Moto H40 भी अच्छा खासा यहाँ पे ड्रॉप दिखा रहा था। उसके बाद नेक्स्ट 1 आवर के लिए हम हाई परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस में क्या होता है, जब हम फोन यूज़ करते हैं या उसके अंदर वीडियो एडिट करते हैं तो फोन की ना मैक्स परफॉर्मेंस चली जाती है हाई पे, तो उसके बाद कितना बैटरी ड्रॉप होता है वही चेक करना है। तो आप Antutu में इंटरेस्टेड हो तो Antutu स्कोर स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसके बाद मैंने ना CV थ्रॉटलिंग को भी स्टार्ट किया 15 मिनट के लिए। Antutu रन होते होते लगभग 45 मिनट्स हो गए थे, और लगभग अभी 4 घंटे टोटल हो चुके हैं, और टेस्ट Antutu मतलब हाई परफॉर्मेंस वाली 1 घंटे की कम्प्लीट भी हो चुकी है। तो यहाँ पे बैटरी ड्रॉप देख सकते हो, Moto H40 फिर से डाउन हो चुका है, Nothing Phone 1 भी, और OnePlus Nord 3 ने भी मुझे शॉक किया है क्योंकि 31% पे आया था, जबकि यहाँ पे सैमसंग A54
पोको F5 और नियो 7 प्रो का बैटरी ऑलमोस्ट सिमिलर साइज में मिल रहा था। उसके बाद हम 30 मिनट्स तक हम जो भी 4K 30fps जिनके अंदर 4K 60fps मिलता है वो मैक्स रेजोल्यूशन पे वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और उसके बाद बैटरी ड्रॉप देखेंगे तो कितना बैटरी ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत ही शॉकिंग चीज पता चली, तो लगभग 30 मिनट्स हाई मतलब रिकॉर्डिंग करने के बाद 4K 30fps और 4K 60fps तो सबसे ज्यादा ड्रॉप दिखाया था OnePlus Nord 3 ने, 13% पे आ गया भाई साहब। फिर आइकोनियो 7, उसके बाद नथिंग फोन 1, मोटो एच 40, जितने भी डायमेंसिटी के फोन थे ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर सबसे ज्यादा बैटरी ड्रॉप किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। बट मैं बहुत ज्यादा शॉकिंग था OnePlus Nord 3 से, लिटरली लगभग 4 आवर 30 मिनट्स हो चुके हैं और उसके बाद हम प्ले करेंगे गेमिंग मतलब BGMI, और BGMI के अंदर जो मैक्स सेटिंग मिलती है ना स्मूथ प्लस एक्सट्रीम या स्मूथ प्लस अल्ट्रा वही मैं रखूंगा और इसके अंदर पूरे फोन डेड होने तक हम टेस्ट करेंगे। लगा दिया मैंने यहाँ पे गेम और देख लेते हैं कि सबसे पहला कौन सा फोन डेड होता है। अब यहाँ से पूरा एंड होने तक मतलब फोन खत्म होने तक इनकी बैटरी खत्म होने तक, तो सबसे पहले ऑफ हुआ मोटो H40 लगभग 4 आवर 58 मिनट्स के आसपास। जब हमने रिव्यू किया था तो यही सिमिलर बैटरी बैकअप मिल रहा था लगभग 4.5 से लेकर 5.5 घंटे के अराउंड, और यही हमारे बैटरी ड्रेन टेस्ट में भी रिजल्ट देखने को मिला है। तो अब देख लेते हैं कि सेकंड नंबर किसका आता है। लगभग 5 आवर 21 मिनट हो चुके हैं टेस्ट को रन करते करते, और मतलब कम्प्लीट टेस्ट को रन करते करते, और यहाँ पे OnePlus Nord 3 भी आउट 5 आवर 21 मिनट्स के बाद। भाई साहब इसने लिटरली मुझे शॉक दिया जब इसने बैटरी ड्रॉप दिखाया था कैमरे टेस्ट के अंदर। उसके बाद देखते हैं किसका नंबर आता है। उसके बाद नथिंग फोन 1 भी ऑफ हो गया 5 आवर 25 मिनट्स के बाद। तो इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग सही बैटरी लाइफ देखने मिली, बट OnePlus Nord 3 ने लिटरली शॉक किया मुझे। उसके बाद ऑफ हो गया आइकोनियो 7 5 आवर 33 मिनट्स के बाद। तो ये भी मेरे लिए शॉकिंग था क्योंकि जो डायमेंसिटी के साथ फोन आते हैं 8 सीरीज 9 सीरीज वाले वो कैमरा जैसे आप स्टार्ट करते हो तो ज्यादा बैटरी ड्रॉप दिखाते हैं। इवन जो सराउंडिंग टेम्परेचर था लगभग 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, तो गर्मी भी नहीं कि इतना फटाफट ड्रेन हो। उसके बाद आउट हो गया विवो V27 लगभग 5 आवर 40 मिनट्स के बाद। तो भाई इसने लिटरली सही बैटरी बैकअप दिया है मुझे, मतलब इतना ही देता है लगभग 6 से 7 घंटे के आसपास, तो इसने सही बैटरी दिया है यहाँ पे। उसके बाद देख लेते हैं कि कौन यहाँ पे आउट होता है। आउट हुआ Realme 11 Pro 5 आवर 43 मिनट्स के बाद, मतलब ठीक ठाक सही बैटरी बैकअप है। और उसके बाद ऑफ हुआ OnePlus 11R 5 आवर 43 मिनट्स के बाद, और उसके बाद ऑफ हुआ Lava Agni 2 लगभग 5 आवर 48 मिनट्स के बाद। मतलब ये सारे 6 घंटे के अंदर ही आउट हो रहे थे। और अब टॉप 3 कौन है देख लेते हैं। तो विनर की बात करें तो यहाँ पे टॉप 3 विनर ये है हमारे। सबसे पहला आता है थर्ड नंबर पे आइकोनियो 7 प्रो जो 5000mAh कैपेसिटी के साथ आता है, जो डेड हो गया लगभग 6 आवर 23 मिनट्स के बाद। मेरे हिसाब से बहुत सही बैटरी बैकअप है ये। और हमारी लिस्ट में सेकंड विनर है मतलब सेकंड नंबर इसका आया है पोको F5 का। मैं भी बहुत ज्यादा शॉकिंग हो गया क्योंकि स्नैपड्रैगन 7 Plus Gen 2 देखने मिलता है जो बहुत ही ज्यादा बैटरी इफिशियंट देखने मिलता है, 5000mAh बड़ी कैपेसिटी के साथ आता है और ये डेड हो गया 6 आवर 40 मिनट्स के बाद। और आज के टेस्ट का हमारा विनर है Samsung F54 क्योंकि 6000mAh बड़े कैपेसिटी के साथ आता है, ये डेड हो गया लगभग 7 आवर 19 मिनट्स के बाद। और बैटरी ड्रेन टेस्ट को मुझे लेके आना चाहिए कि नहीं आप जरूर कमेंट कर सकते हो, और इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी सजेशन फीडबैक हो जरूर कमेंट कर लेना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय दोस्तों।